उन्होंने ऐसा कहा और हमारे जो कार्य जो हम लोग कर रहे हैं बाबा साहब के मिशन को लेकर के, बुद्ध जी के मिशन को लेकर के, जो हम घर घर महिलाओं को समझाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप मंदिर नहीं जाइए और बुद्ध जी से जुड़िए, तो वो हमारा तो कहना नहीं मान रही है। लेकिन आपने जो ये किया है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने ऐसा कहा कि आप 2 महीने के अंदर अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करके और आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप 2 महीने की जगह अगर 4 महीने भी लगते हैं तो आप इस बात पर डटे रहिए। और मैं चाहती हूँ कि जो काम हम नहीं कर सके वो शायद आपके द्वारा हो जाए। और हमारे बुद्ध जी इतने अच्छे, बौद्ध धर्म है हमारा, तो इसमें कभी इस पे जो बौद्धिस्ट हैं उन पर अत्याचार नहीं होते हैं, बौद्ध धर्म में नहीं हुए। तो हमारा धर्म इतना अच्छा है कि आप अपने उसको छोड़ के हमारे धर्म में आ जाइए, आप पर भी कोई अत्याचार नहीं होगा, आपको भी कोई मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने जो ये कदम उठाया है कि 2 महीने में हमारी ये बात मान ली जाए, नहीं मानी जाती है तो आप मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, तो आप 2 महीने नहीं 4 महीने 6 महीने तक इस बात पे अड़े रहिए और ये काम जो हमने कर पाए वो आप करके दिखा देंगे। तो बिमली जी, क्या आप चाहती हैं कि मतलब ऐसे लोग फिर भारत बंद करें, दलितों को रोका जाए मंदिरों में जाने से? ये हमारा, देखिए छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूंगी, माननीय काशीराम जी ने ये कहा था कि जिस दिन ये जो मनवादी लोग हैं ये सड़क पर आने लगे तब आप सोचना कि हमारा जो ये अभी तक का जो काफिला चल रहा था ये तब शुरुआत होगी, क्योंकि उन्हें खतरा हो जाएगा कि हमारा जो अभी ब्राह्मणवाद है ये खतरे में आ रहा है तो हमें भी बाहर आना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आप लोगों ने भारत बंद करने की सोची और आगे भी आप ये सोच रहे हो कि मंदिरों में प्रवेश बंद कर दिया जाए, तो ये डबल खुशी की बात हो जाती है कि जो काम हम करने में इतना टाइम लगा रहे हैं घर घर जा कर के समझाने का, वो आपने हमारा एक ही बार में काम पूरा कर देना है। जो अगर 2 महीने में आपकी बात नहीं मानी जाती है तो मैं तो यही चाहूँगी कि आपकी बात ये 4 महीने 6 महीने तक, आपको अगर धरना प्रदर्शन भी करना पड़े तो वो भी करिए, लेकिन इस बात पे अडिग रहिए कि जो मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देंगे आप। क्यों बिमली जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था कि भाई मंदिरों में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ ये विद्यालयों के अंदर रखा है, ये कथन कहाँ तक सत्य है? ये तो पूरा ही सत्य है, क्योंकि जब विद्यालय जाएंगे तभी जो हमारे बाबा साहब जैसे पढ़े, वो कितनी कठिनाइयों के साथ पढ़ लिख करके आगे आए और सारी चीज़ें उन्होंने जो देखी हैं, खुद झेली हैं, अपने 4-4 बच्चे भी खोए हैं उन्होंने, और उसके बावजूद वो भी चाहते तो बड़े सुख से अपना विदेश में जो जीवन यापन कर सकते थे, यहाँ रहकर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे बहुजन समाज के लिए किया, जिसकी वजह से वो आज भी हम उनको अपने बिल्कुल पलकों पर बिठा के रखते हैं और उनका हर जगह सम्मान ही देखना चाहते हैं। अगर कोई संविधान को जलाने की या कोई उसे हटाने की बात करता है तो उस पर हमें इतना आक्रोशित हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने हमारे लिए इतनी बलिदान, इतना कुर्बानी दी है तो हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर आगे बढ़ो। तो इसमें अब हम जब शिक्षित होंगे तभी तो आगे जो हम संसद तक जाकर कब्जा करेंगे। बिमले जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि बाबा साहब ने इतना बहुत कुछ कहा, लेकिन उसके बावजूद महिलाएं अधिकतर अंधविश्वास में है, क्योंकि महिला जो है अभी सुबह सुबह नहाएंगे धोएंगे मंदिर के अंदर जाएंगी, और ये अधिकतर मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुजन समाज की महिलाएं अधिकतर भगवान को पकड़े बैठी हैं और जो भगवान को मान रहे हैं वो पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, विधानसभा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अपना समाज जो बहुजन समाज है वो आज मंदिर की तरफ जा रहा है। जी, वो इसलिए है कि क्योंकि वो कुछ अभी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा कहाँ पे भलाई है और कहाँ पर बुराई है। तो वो अभी भी ब्राह्मणवाद से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक मानसिक रोग कहेंगे हम इसको, कि जिसको लाख समझाने के बावजूद भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा उनकी समझ में धीरे धीरे, वो हमें धीरे धीरे प्रयत्न करना हो, क्योंकि वो परंपरा आज की नहीं है, ये सब चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, तो उनको ढोते ढोते वो उसी रंग में रंग गए हैं, लेकिन धीरे धीरे उस रंग को हटाने के लिए हमें वॉश तो करना पड़ेगा बार बार, तभी वो मतलब। लेकिन बिमला जी, जिस तरीके से अभी जो गणेश जी को पूज रहे हैं, गणेश जी को एक पुराने समय में भी शायद कोई इतना बड़ा वैज्ञानिक होगा या कोई इतना बड़ा डॉक्टर होगा कि हाथी की गर्दन काट के किसी बच्चे के लगा दी, उसी को गणेश जी मान लिया गया। एक तरफ जो पत्थर के जो जिसे चूहा कहते हैं उसकी पूजा करते हैं, अगर जिंदा कहीं दिखाई दे जाता जब तक तो उसे मार नहीं देते, जब तक तो पीछा नहीं छोड़ते, उसी तरीके से एक जो सांप अगर आ जाए और सांप एक मट्टी का रखा हुआ है तो सभी उसकी पाठ पूजा करेंगे, लेकिन अगर जिंदा आया उसे मार देंगे। लेकिन तो ये कहाँ का अंधविश्वास, कैसी विडंबना
कब खत्म होगी? ये अगर अंधविश्वास नहीं होता तो इनका पेट कैसे भरता जी? तो ये अपना इन्होंने मेहनत तो करना जानते नहीं है, तो इनको बैठे बिठाए खाने के लिए चाहिए। और जो बीमार भी होते हैं कुछ लोग, तो हम लोगों में जब भी फल खाने को मिलता है जब वो बीमार हो जाते हैं जी। लेकिन ये जो मंदिरों में बैठे हुए हैं उनको तो रोज बिल्कुल भी उसमें एक जरा सा कट भी नहीं होना चाहिए, निशान भी नहीं होना चाहिए। इतने बढ़िया से बढ़िया फल छांट के मंदिर में चढ़ा के आएंगी और अपने बच्चों को चाहे सड़ा गला उसमें से उठा के रख लेंगी, वो भी मिले मिले ना भी मिले, लेकिन मंदिर में एकदम बिना खंडित हुआ फल उनको चाहिए। और उसे वो चढ़ा के आती हैं तो वो बैठे बैठे पुजारी खाते हैं और अपनी आयु भी बढ़ाते हैं और आनंद भी लेते हैं हर सीजन का। साथियों, जो पूरे भारतवर्ष की जितनी भी माता बहनें देख रही हैं, आपको भी विमलेश बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? अगर आपका उद्धार करना है, आपको अपना विकास करना है, तो ऐसी परंपरा को, अंधविश्वास को छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? कि अगर आपका जो पैसा है, जो आपकी मेहनत की कमाई है, वो जो मेहनत की कमाई मंदिरों के अंदर जाती है, मंदिरों में से वो एक, मैं उसे कह देता हूँ, खुला ATM है, उसमें पैसे सभी डालेंगे, लेकिन उसको निकालेगा कौन? एक ही व्यक्ति निकालेगा। वो व्यक्ति निकालने के बाद में क्या करेगा? उसके बच्चे जाएंगे विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, लेकिन आपके बच्चे कहाँ घूमेंगे? सड़कों पर, उनके लिए पढ़ाई नहीं है। तो उस पैसे को बचा कर रखें तो बहुत अच्छा होगा, आपको भी एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि इन देवी देवताओं ने आपका कभी भला नहीं कराया है और आगे भी नहीं करेंगे। तो बिमले जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप एक मुहिम चला रही हैं कि महिलाओं घर घर जाके बता रही हैं कि भाई इन अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा है, तो जब आप घर से निकलती हैं तो जो महिलाओं के पास जाती हैं तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा जी। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि सावित्रीबाई फुले जी जब पढ़ाने जाती थी तो दो दो तीन तीन साड़ियाँ अपने साथ रख के जाती थी, उन पर गोबर फेंका जाता था, उन पर कीचड़ फेंकी जाती थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। क्या कहेंगे आप? उनने जब देखा कि हमारे ज्योतिबा फुले जो थे, उन्होंने अपने पहले शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने जब देखा कि महिला कोई भी नहीं है और महिला को महिला ही पढ़ा सकती है, महिला टीचर नहीं है, तो तब ज्योतिबा फुले को उन्होंने पढ़ाया। सावित्रीबाई फुले को उन्होंने, ज्योतिबा फुले जी ने अपनी मिसेज को पढ़ाया। फिर जब वो पढ़ लिख के तैयार हुई तो उनको तब कहा गया कि अब आप महिलाओं को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन शिक्षित हो। तो जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम जो ये पाखंडवाद है, जो आडंबर है, इस सब चीज़ से तभी निकल पाएंगे जब हम जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली भी जो हम आजकल देखते हैं बाहर निकल करके उसको भी देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई भी चित्र है उसे भी देख के गलत भी वो समझ सकते हैं, लेकिन अगर पढ़े हुए हैं तो उसको तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो शिक्षित होना सबसे पहले ज़रूरी है। हमारी सावित्रीबाई फुले जो थी, उन्होंने जब पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ भी फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था, तो वो उन गंदे कपड़ों में वहाँ तक पहुँच जाती थी जहाँ शिक्षा देती थी, तो फिर उसके बाद वहाँ चेंज करके और वो बच्चों को पढ़ाती थी, पढ़ाने के बाद फिर वापस वही गंदी साड़ी पहनकर घर आती थी। और ये प्रक्रिया वो जब तक करती रही जब तक कि उन्होंने काफ़ी लोगों को शिक्षित नहीं कर दिया। सरस्वती कोई नहीं है जिन्होंने शिक्षा का, जैसा ये वनवादी लोग बताते हैं कि सरस्वती हमारी विद्या की देवी है, लेकिन सरस्वती नहीं है वो, हमारी जो सावित्रीबाई फुले हैं वही शिक्षा की देवी हैं। उन्होंने ही समाज में पढ़ने का पढ़ाने का विकास आगे किया और महिलाओं में सबसे पहली वही हैं जो जिन्होंने पढ़ाई शिक्षा की तरफ सबसे ज़्यादा जोर दिया। लेकिन जो टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षा दिवस मनाते हैं, तो वहाँ औरों का नाम लिया जाता है, लेकिन जो मेन जो भूमिका है कि वो सावित्रीबाई फुले जी की। लेकिन मैडम, जिस तरीके से आज जो सावित्रीबाई फुले की हम बात कर रहे हैं, अगर दो जो महिला जो आगे बढ़कर आ रही हैं तो वो सावित्रीबाई फुले की देन है, आपका मानना है जी? अगर देश की प्रधानमंत्री भूतपूर्व जो इंदिरा गांधी थी वो भी सावित्रीबाई फुले की देन थी जी हमारे, क्योंकि संविधान में भी बाबा साहब ने सबके लिए बराबर किया है और उन्होंने भी सबको पढ़ाने के लिए, कोई भी हो उन्होंने पढ़ाने के लिए कभी किसी को मना नहीं किया। लेकिन मैं चलते चलते मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान को लिखने के बाद महिला को अधिकार दिए, फिर वो अधिकार देने के बाद में अभी 9 तारीख को भारतीय संविधान को जलाया गया, लेकिन कोई भी महिला निकल के नहीं आई। जो अपर कास्ट कह रहे हैं या हम जो बैकवर्ड कह रहे हैं या और कह रहे हैं कि जो बहुजन की तो महिलाएं निकल के आई थी, लेकिन जो अपर कास्ट की महिलाएं निकल के नहीं आई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बाबा साहब का बेनिफिट लिया वो उन महिलाओं ने लिया। जो महिलाएं आज जो हमारे इनमें किसी भी कास्ट की महिला हो, अगर वो पढ़ी लिखी होकर के जॉब पा रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा साहब को उसका श्रेय जाता है और उन्होंने ही
जो संविधान में लिखा था कि 50% महिलाओं का होगा, उसी के द्वारा वो आज इतनी तरक्की कर रही हैं, मौज ले रही हैं सब चीज़ें, लेकिन बाबा साहब का नाम लेना पसंद नहीं करती। और जो जागरूक हैं, जिन्होंने संविधान पढ़ लिया है, वो आज भी मान रही हैं, चाहे वो बेशक ब्राह्मण है, वो कहती हैं कि नहीं, हमें इनके द्वारा आज़ादी मिली है तो हम भी मानते हैं। सभी ब्राह्मण एक जैसे नहीं हैं, उनमें बहुत सी ऐसी महिलाएं जिन जो मेरे संपर्क में आई हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं। और बहुत सी औरतें तो ऐसी हैं जो बाबा साहब की पोस्टर अपने अलमारी में चोरी छुपे लगा के रख लेती हैं, और वो सोचती हैं कि जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, गर्भवती हूँ और मेरी संतान हो, तो बाबा साहब जैसी हो और मैं ऐसे ही पुत्र की कामना करती हूँ। तो ऐसा भी मैंने सुना है, बहुत सी औरतों को कहते मतलब उनका मानना है, पति नहीं मानते हैं, लेकिन वो महिलाएं चाहती हैं कि मुझे बाबा जैसी संतान प्राप्त हो। जी जी जी, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो बाबा साहब के जो फायदा उठा रही हैं, वो बाबा साहब को मानती हैं। हाँ, तो ये थी बिमलेश जी, जो बिमलेश जी ने विस्तार से बताया गया, जो आज बाबा साहब की देन है, जो महिलाएं, जो अपर कास्ट की महिलाएं बाबा साहब को चोरी छुप के उनकी पूजा करती हैं, उनको आराधना करती हैं उनसे, और ये कहती हैं कि जो मेरी अगली संतान हो या जो मेरे बच्चे हैं, वो बाबा साहब तक पढ़ें। तो बिमले जी, आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहती हैं, क्या अंधविश्वास को कैसे छोड़ेंगे? मैं महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि अब कम से कम इतनी सुविधाएं हो गई हैं जानकारी लेने के लिए, कि मोबाइल अगर किसी के पास एक भी अच्छा है, टीवी में तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन उसके थ्रू आप जागरूक होइए, क्योंकि जिस तरीके से हमें अब तक गुमराह किया गया है, तो ये जो हमारे चंद्रशेखर भाई जो, इन्होंने भी काफ़ी हद तक सबको बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। उधर अभी जो हमारे माननीय काशीराम जी थे, वो भी यही कहते कहते जो चले गए कि भाई आप इस पाखंड से बाहर निकलिए, और उधर हमारे बाबा साहब ने भी यही कहा था कि जब तक हम इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, ब्राह्मणवाद को और जो मूर्ति पूजन नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो हमारा उद्धार नहीं होगा। तो ये छोड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा, और हमारे जो बुद्ध की तरफ की जो दिशा है, बुद्ध की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको शांति और अच्छे अच्छे संदेश मिलेंगे, और जो हमारे जीवन में दुख है, दुख का कारण क्या है, उसके बारे में आप जानोगे जब शिक्षित होगे, और इसका निवारण कैसे है इस चीज़ के बारे में भी जानेंगे, और तभी हमारे जो समाज का विकास होगा और हम अपना एक कहीं ना कहीं स्थान भी बना पाएंगे, और हम अपने बच्चों को सुरक्षित पढ़ा भी सकेंगे और उन्हें बलात्कार से भी बचा सकेंगे। लेकिन उसके पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा, बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, और वो कैसी संगत में है ये सब भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब एक दिन हमारा जो जैसे कि एक रिजल्ट होता है, हमारा पूरी साल मेहनत करवाते हैं, तो आखिरी दिन जो रिजल्ट का होता है वो खुशी भरा होता है, और अगर पूरी साल हमने तफरी की, मौज मस्ती की, तो वो एक दिन बड़े दुख का होता है जब वो बच्चे का फेल सुनते हैं।